हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेसिका रसोरिया। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ से लेसन 7 संस्कृत का संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति डेटिव केस। अहम याचकाय वस्त्रम यच्छामि, मैं भिखारी को वस्त्र देता हूँ। वृक्षा परोपकाराय भवन्ति, वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। धनी का निर्धनेभ्यः वस्त्राणि यच्छति, धनिक गरीबों को वस्त्र देता है। दानेन चित्तं शुद्धं भवति, दान देने से मन शुद्ध होता है। धनं दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। धेनु बालेभ्य दुग्धम यच्छति, गाय बच्चों के लिए दूध देती है। वसुधा जीवेभ्य अन्नम यच्छति, धरती प्राणियों के लिए अन्न देती है। प्रकृति निस्वार्थ भावेन सर्वेभ्य दानम करोति, प्रकृति निस्वार्थ भाव से सभी को दान करती है। नदी परेभ्य जलम यच्छति, नदी दूसरों को जल देती है। सूर्य सर्वेभ्य प्रकाश यच्छति, सूर्य सभी को प्रकाश देता है। वयम पठनाय विद्यालयम कक्षा में, हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तत्र वयम पुस्तकानि पठाम, वहाँ हम सब पुस्तकें पढ़ते हैं। पुस्तकानि ज्ञानाय भवन्ति, पुस्तकें ज्ञान के लिए होती हैं। ज्ञानम सुखाय भवति, ज्ञान सुख के लिए होता है। शिक्षका छात्रेभ्य ज्ञानम यच्छन्ति, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं। अतः वयं श्रेष्ठा बालका स्म, इसलिए हम सब उत्तम बच्चे हैं। तो इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे याचकाए, याचकाए मतलब भिखारी के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, फॉर बैगर। सेकंड है ज्ञानम, ज्ञान के लिए, ज्ञान यानी कि नॉलेज। भवति, भवति मतलब होता है, हैपन। यच यानी कि देना, गिव। वसुधा, वसुधा धरती के लिए यूज़ हुआ है, अर्थ। जीव प्राणी, लिविंग बीइंग को बोलते हैं। पठनाय पढ़ने के लिए, फॉर स्टडिंग। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।